नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाला आप लोगों से यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, तो लंका प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला जो कि आपको शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज ही से खेला जाएगा लंका प्रीमियर लीग का ये मैच। तो हम तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं गाइज आज के इस मुकाबले के लिए। क्या आप भी तैयार हैं? अगर आप भी तैयार हैं तो यार कमेंट करिए और बताइए हमें ज़रा कौन कौन भाई जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इस मुकाबले के लिए। ज़रा हम भी तो देखें यार कितने लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड है भाई। इन मुकाबलों की बात करें दोस्तों, हम्बन टोटा के ग्राउंड के ऊपर ये मुकाबले खेले जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको ग्राउंड की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक देख रही है बने रही है, और आप लोगों को सारी की सारी हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, चल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं, अपडेट जो हैं दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगी हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में, जिसपे कि हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी अपडेट्स। मैच की ऑलरेडी प्लेइंग 11 आ चुकी है, टॉस की अपडेट जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाइए और फटाफट जाकर चेक करिए दोस्तों। और अगर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मैं इरफान पठान को और बाकी के प्लेयर्स को भी, जो कि आपको नज़र आएंगे सामने में अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करते रहिए भाई। ओहो हो, ये क्या है भाई? इट्स एन वाई टू प्रिवेंट दिस इन फ्यूचर। ओके, इसको बंद करो क्योंकि दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। चलिए, हाँ मैं ये दिखा रहा था दोस्तों। चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ फटाफट, लेकिन उससे पहले यार टीम की बातचीत कर लेते हैं पहले। चलिए, तो टीम्स अगर हम देखें दोस्तों, तो टीम्स में अगर आप देखेंगे तो कैंडी टस्कर्स की टीम, अगर आप देखेंगे तो कैंडी टस्कर्स की टीम भाई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो दूसरी टीम है उससे ज़बरदस्त नहीं है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। कैंडी टस्कर्स की टीम में अगर हम देखें तो आपको आसिला गुणरत्न नजर आएंगे, ऑलराउंडर हैं, आपको पता भी है श्रीलंका के लिए मैचेज इन्होंने जिताए हैं, दो चार मैचेज इन्होंने जिताए, बड़े ऐसे मैचेज जिताए जो कि हारने थोड़ा हम बिल्कुल याद रखिएगा कैंडी टस्कर्स की टीम को। दिलरुवन परेरा है, गेंदबाज हैं, हारती हारती मैचेस ये यहाँ पर ही जिता कर आए थे। चमीकारा इधर सिंघे नजर आएंगे इस टीम में, दिलरुवन परेरा, इरफान पठान, इरफान पठान आपको कैंडी टस्कर्स में नजर आएंगे दोस्तों, तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कैंडी टस्कर्स की टीम को। दिलरुवन परेरा है, गेंदबाज हैं और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। कमिंडो मेंडिस जो कि आपको गेंदबाजी करते हैं, इरफान पठान हैं, ईशान जय सिंह हैं, इसके अलावा आपको कविश्का अनुजा हैं, कुशल मेंडिस हैं, कुशल परेरा हैं। वाह, परेरा तो भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन है, तो इस टीम में आपको नजर आएगा। कुशल मेंडिस भी हैं भाई इसी टीम में, तो मेंडिस भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं श्रीलंकन टीम के लिए। बाकी अगर हम बात करें आपको बाकी बाहर के प्लेयर्स की, तो वहाब रियाज इस टीम में, नवीन उलखन, लायम प्लंकेट हैं, लायम प्लंकेट के तो बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं, इंग्लैंड के खेलते हैं अभी भी, खेल नहीं चुके हैं, खेलते हैं अभी भी। वहाब रियाज पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। सिकुगे प्रसन्ना जो कि ऑलराउंडर हैं, श्रीलंका के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। नुवान प्रदीप रहेंगे इस टीम में, जो कि श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं, खेलते भी हैं। प्रियामल परेरा हैं, इसके अलावा मुनाफ पटेल। जी हाँ दोस्तों, कैंडी टस्कर्स में भारत के दो प्लेयर्स ऐसे हैं, मैंने पहली ऐसी ली देखी जहाँ पे भारत के जो है आपको पांच छह प्लेयर्स मिल जाएंगे देखने को। इससे अलावा मैंने आज के पहले कभी ऐसी लीग नहीं थी कि जिसके अंदर भारत के प्लेयर्स खेलते हों। एक लीग थी ग्लोबल T20 जिसके अंदर आपको युवराज सिंह ज़रूर गए थे खेलने के लिए वहाँ पे, लेकिन उस T20 के अलावा मुझे और कोई ऐसा T20 याद नहीं आता जिसके ऊपर मैंने देखा हो कि भारतीय टीम के प्लेयर्स वहाँ पर जाते हों दूसरी टीम के लिए खेलने के लिए, दूसरे टूर्नामेंट्स में जाते हों खेलने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं मुना पटेल के अलावा, लहिरु समाकुरन है इस टीम में कैंडी टस्कर्स की ओर से। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं यार, जो भी पूछ रहे हैं प्लेइंग 11 और टॉस के बारे में, आपको मैंने टॉस के और प्लेइंग 11 का अपडेट जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कमेंट में कि प्लेइंग 11 और टॉस की अपडेट जो है इस मैच की क्या है। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा आपको इस टीम में है मुनाब पटेल, नवीन उल हक की बात करें, निशान माधुसूना शुंका है, इसके अलावा नुवान प्रदीप है इस टीम में, और प्रियामल परेरा के बारे में बता दें, सिकू के प्रसन्ना के बारे में बता दिया मैंने, वहाब रियाज के बारे में बता दिया। अब चलिए भैया, ये तो हमने टीम देख ली कैंडी टस्कर्स की, थोड़ा हम नज़र भिड़ाते हैं कोलंबो किंग्स के बारे में। कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका का, तो कोलंबो की टीम तो भाई थोड़ी सी तगड़ी और थोड़ी सी मजबूत होनी भी चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका शकल दिख ही रहा होगा कि कौन है यहाँ पर, अंडर रसल है, और जिस लीग में अंडर रसल पहुँच जाए यार, उसके बाद तो आप समझ लेंगे वो लीग कितनी बेहतरीन हो जाएगी। आंड्रे रसल, कैरम पोलार्ड कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको हर एक टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आंड्रे रसल आपको पता ही है आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स, भले इस साल उतना अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो इनका, लेकिन ऑल ऑफ मतलब हर 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 आईपीएल में इनका प्रदर्शन जो रहता है बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है।
और इनको बल्लेबाजी तो कोलकाता की टीम बहुत नीचे कराती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। इनको एक जगह दे दो नंबर चार पे, ये अपना आके काम कर देंगे। चलिए इस टीम की हम बात करें तो कोलंबो किंग्स की, कोलंबो किंग्स में आपको अमीला ओपोंसो नज़र आएंगे, इसके अलावा एंड्रू रसल नज़र आएंगे, इसके अलावा आपको एंजेलो मैथ्यूज नज़र आएंगे, इसके अलावा आशान प्रियंजन नज़र आएंगे, दिनेश चंडीमल नज़र आएंगे, चंडीमल भैया अच्छे प्लेयर हैं ये भी, दुष्मता चमीरा नज़र आएंगे, फाफ डुप्लेसिस, जी हाँ दोस्तों, तो फॉफ डुप्लेसिस भी हैं इस टीम में, जो कि आपको साउथ अफ्रीका के कप्तान भी हैं, कप्तान तो नहीं है रिसेंटली लेकिन रह चुके हैं बड़े ही दिनों तक। इसके अलावा हिमेश रामानायके हैं, इशुरू उदाना हैं, जाफरी वेंडरसे हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं जाफरी वेंडरसे की बात करें तो, कल्लाना परेरा भी हैं इस टीम में, लहिरू उदारा हैं, इसके अलावा मनप्रीत गोनी, लीजिए भैया तीसरा इंडिया का प्लेयर आपको मिल गया, ठीक है, दो उधर थे और इधर भी दो हैं, तो मनप्रीत गोनी तो पता ही होगा आपको, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद है जहाँ तक धोनी की टीम में गोनी, मुझे याद है कभी ना कभी तो भारत के लिए खेला था, टीम के लिए ज़रूर सेलेक्ट हुए थे, आई एम नॉट श्योर इन्होंने खेला कि नहीं खेला, लेकिन हाँ टीम के लिए सेलेक्ट ज़रूर हुए थे इंडियन टीम के लिए। मनविंदर बिस्ला, कौन भूल सकता है वो आईपीएल का फाइनल जिसमें इन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली थी, आपको याद होगा कोलकाता के लिए फाइनल में जिसमें 89 बनाए थे इन्होंने और मैच जिताया था। नवोद परावितारा, इसके अलावा हम बात करें रविंदर पाल सिंह और थारिंडू रत्ननायके के अलावा थिशिकला डिसिल्वा इस टीम में है। तो ये थी आपको कोलंबो किंग्स की टीम दोस्तों, तो ये दो टीमों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आप बताइए आपके फेवरेट प्लेयर जो हैं कौन से हैं दोस्तों, और नीचे ये भी प्रेडिक्शन करिए यार ज़रा कितने रन बन सकते हैं, कौन सी टीम आज का मैच जीत सकती है, कोलंबो टस्कर माफ़ कीजिएगा कोलंबो टस्कर्स मैं कह रहा हूँ कोलंबो किंग्स को, चलिए कोलंबो किंग्स या फिर आपको कैंडी टस्कर्स। अब अपनी टीम देख ली तो हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से मैच के बारे में। चलिए हम ग्राउंड के ऊपर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्राउंड के ऊपर क्या हाल चाल रहे हैं, इस ग्राउंड के ऊपर हम बात करें तो हम्बन टोंटा के नाम भी इतना ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ आपको, हम्बन टोंटा का ये ग्राउंड रहेगा जिसके ऊपर ये मुकाबला खेला जाएगा, पहला मैच जी हाँ श्रीलंका प्रीमियर लीग, श्रीलंका नहीं है लंका प्रीमियर लीग, एक्चुअली लंका प्रीमियर लीग का पहला मैच है, महिंदा राजापक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम हम्बन टोंटा में मैच खेला जाएगा। वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न जो रहा है कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये है आपको पिच रिपोर्ट, मैं आगे थोड़ी सी देर में आपको पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा, पिच की पूरी पूरी कंडीशंस दिखाऊंगा क्या हालात में पिच, 130 रन आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बनता है, सेकंड इनिंग्स एवरेज बात करें तो आपको 103 का बनता है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो आपको टोटल हाईएस्ट स्कोर जो रहा है दोस्तों यहां पे वो रहा है 182 पे 4 20 ओवरों में श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे के खिलाफ बना था, श्रीलंका की टीम ने बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये याद रखना भाई 182 का हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो 200 अभी नहीं बने इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये जो है ग्राउंड अगर कोलंबो किंग्स की बैटिंग आ जाए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच में ही आपको देखने को मिल जाएगा 200 रन, तो चलिए उम्मीद है कि 200 रन पहले ही मैच में देखने को मिलेगा क्योंकि ग्राउंड बड़ा अच्छा है भाई, काफ़ी दिनों से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है इस ग्राउंड के ऊपर, और कि ग्राउंड जो है इतना बैटिंग के लिए अनुकूल बनाया जाएगा आई एम श्योर, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में इस बार श्रीलंका के ग्राउंड जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं और यहाँ पर स्कोर जो बनते हैं बड़े ज़बरदस्त बनते हैं भाई। लोग लोवेस्ट डिफेंड की बात करें तो लोवेस्ट डिफेंड आपको 78 पे 4 हुआ था जो कि साउथ अफ्रीका की टीम ने किया था श्रीलंका के खिलाफ, तो भाई ये भी देखो ये भी ज़बरदस्त है, 7 ओवरों में 77 रन पे 4 विकेट गई थी और डिफेंड कर लिया था उस मैच को। हेड टू हेड की हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में, पहला ही टूर्नामेंट है गाइस तो कोई भी नहीं जीता है कोई भी नहीं हारा है तो हेड टू हेड यहाँ पे सवाल ही हट जाता है क्योंकि पहला ही टूर्नामेंट है कैंडी टस्कर्स और कोलंबो किंग्स लंका प्रीमियर लीग का। हमें किन प्लेयर्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं टीम में जिनके ऊपर हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, चलिए तो हम बात करते हैं उन्हीं कुछ प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुशल परेरा के बारे में, कुशल परेरा जी हाँ दोस्तों, कुशल परेरा का जो फॉर्म रहा है पिछले दिनों में, इन्होंने इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच खेला था जिसमें इन्होंने 5 रन बनाया था, उसके पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला 26 रन बनाया था, उसके पहले इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था T20 मैच जिसमें 16 रन बनाए थे, तो इनका फॉर्म रिसेंटली तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि रिसेंटली इनका फॉर्म कैसा भी नहीं रहा है क्योंकि ये तो अभी खेल ही नहीं रहे भाई तो डोंट नो भाई इनके बारे में एट द मोमेंट सिकू के, लेकिन प्लेयर्स भाई प्लेयर तो ऐसे लगता है कि जयसूर्या खुद आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, जब ये बल्लेबाजी करते हैं ऐसा लगता है जयसूर्या के छोटे भाई आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सिकू के प्रसन्ना भी हैं इस टीम में जो कि आपको 8 रन बनाकर आठ रन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बनाया था, बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए 51 बनाया था, उसके बारबाडोस ट्राइडेंट्स के 0 बनाया था, इन्होंने आपको सीपीएल खेला है गाइस जी हाँ सीपीएल में खेला इन्होंने,
और प्रदर्शन भी इनका ठीक ठाक रहा है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑलराउंडर है गाइस, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में मिक्स करके आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। तो आप इनको भाई भूलना मत, अपनी टीम में लेना सिकुगे प्रसन्ना, अगर आप ले आई मीन टीम अगर बना रहे हैं आप तो इनको मत छोड़िएगा भाई, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा जिता सकते हैं ये। अगर हम बात करें तो आप अपनी टीम में इनको आँख बंद करके ले लीजिएगा भाई, क्योंकि बड़े अच्छे प्लेयर आपकी टीम के लिए साबित हो सकते हैं। ठीक है, प्रसन्ना जी के बारे में तो हमने बातचीत कर ली है, अब चलिए हम जरा दूसरी टीम पर भी बढ़ते हैं। दूसरी टीम पे तो दो ही नाम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन मैं कुछ और नाम्स बताना चाहूँगा आपको। कुछ एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके अलावा इन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो काफ़ी दिन हो गया इनको क्रिकेट देखे हुए, वैसे मैंने देखा नहीं इनका क्रिकेट काफ़ी दिनों से लेकिन प्लेयर बड़े ज़बरदस्त हैं भाई। फॉफ डू प्लेसिस भाई, कौन भूल सकता है इनको। जी हाँ, फॉफ डू प्लेसिस बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लाहौर कलंदर के खिलाफ इन्होंने बनाया था 31, किंग्स इलेवन पंजाब में बनाया था 48 रन, उसके अलावा आरसीबी की टीम के खिलाफ इन्होंने बनाया था 25 रन, और रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन किया है इन्होंने अगर हम बात करें आईपीएल में, और उम्मीद है कि यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग में बड़ा चलेंगे। तो आप इनको भी ले लीजिएगा भाई अपनी टीम में। आंड्रे रसल को मत भूलिएगा भाई, सबको भूल जाइएगा लेकिन आंड्रे रसल को आप मत भूलिएगा टीम में लेना। चलिए नवीन उल हक जो कि आपको अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, तो भाई ये भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। वहाब रियाज़ हैं इस टीम में, वहाब रियाज़ की हम बात है तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। जी हाँ, और ये आपको कैंडी टस्कर्स की ओर से खेलते हुए नज़र आएंगे, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी हाँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको दूसरी ओर से अगर आप जिन प्लेयर्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए आपको, वह जाफरी वंडर्स है और मनप्रीत धोनी, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको खास तौर से नज़र रखना ही चाहिए। और आई एम श्योर अगर आप ये कुछ प्लेयर्स को ले लेंगे अपनी टीम में तो आपकी ग्रैंड लीग तो पक्की है भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग पक्की नहीं है, ग्रैंड लीग तो पक्की आपको कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो आप देख के खुश हो जाएंगे भाई। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आइए फटाफट चला दिखाते हैं हम और आपको दिखाते हैं यहाँ पे फटाफट। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कौन है भाई ज़रा कमेंट करके बताइए हमें कौन है ये। आप तो पहचानते ही होंगे आई एम श्योर, यार काफ़ी सारे लोग जानते होंगे इस माशाल्लाह इंसान को, कौन नहीं जानता है, सभी के सभी भाई जानते होंगे आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये तो है आपको एंड्रे रसल जो कि प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए फटाफट और लाइक करिए चैनल को। इनके बारे में मुझे नहीं पता यार, ये कुछ प्लेयर्स जो कि प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए तो जिम्बा मैंने देखा, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, गेंदबाज हैं। इसके अलावा ये देखिए आपको टीम आर रेडी, जी हाँ दोस्तों, तो टीम सभी फ़िलहाल रेडी हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाइव जो मैचेस आएंगे दोस्तों, कैच द ब्लेसिंग थंडर ऑफ 2020 LPL, नो स्पेक्टेटर्स अलाउड, स्टे होम दी IPG इंस्टाग्राम। चलिए तो यहाँ पर मैच आपको ये नज़र आ रहे होंगे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते, और ये देखो पैक, ओ भाई ये कौन था यार, ये तो हर्षल गिब्स है भाई, हर्षल गिब्स और एंजेलो मैथ्यूज, वाह भाई वाह, मतलब ये टीम बहुत ज़बरदस्त है भाई। इसके अलावा ये देखिए भाई कुशल परेरा आपको नज़र आ रहे होंगे, और कुशल परेरा के अलावा आपको ये देखिए इरफान पठान की बॉडी देखिए भाई, इरफान पठान की बॉडी देखिए आप, इरफान पठान अभी भी इतने उम्रदार हो गए लेकिन अभी भी भाई साहब गजब। नुवन कुलशेखरा भी हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, नुवन प्रदीप भी हैं, और ये देखो भाई वाह क्या बात है भाई। तो चलिए भाई मैंने आपको ये सब तो दिखा दिया, ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड भी मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, किस ग्राउंड के ऊपर ये मैच वाला है। तो ग्राउंड तो भाई अभी तक हमारे पास कुछ ऐसी अपडेट नहीं आई कि जिसके ऊपर हम बता सकें आपको क्या है एग्जैक्टली ग्राउंड की अपडेट, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये तो आपको हैं कुछ प्लेयर्स जो कि प्रैक्टिस करते नज़र आए थे। खैर आप ज़रा बताइए यार, फटाफट कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों के लिए फ़ोटो तब तक निकाल लेता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये है आपको ग्राउंड हम्बन टोटा का, जिसके ऊपर आज का ये पहला मुकाबला और पूरा का पूरा LPL का मुकाबला जो है खेला जाएगा, और ये आप देख सकते हैं फिलहाल। जी हाँ, और ये देखिए, अरे अरे वाह 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 क्या बात है भाई, ओ भाई साहब, मतलब ग्राउंड देखने के बाद लगता है कि हाँ भैया ग्राउंड तो है भाई, ग्राउंड इतना सुंदर है और इतना प्यारा ग्राउंड है, आप भी देख के कहेंगे कि वाह दिल खुश हो गया। और यहाँ पर भाई कोई आ भी नहीं सकता, अगर कोई आ भी गया तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जगह ही ऐसी है, यहाँ से कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, फ्री की टिकट है भाई, टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देख रहे हैं आप, कहीं से भी कोई भी आके देख सकता है मैच। उधर से कोई भी अंदर आ जाएगा, इधर से कोई भी अंदर आ जाएगा, इधर से कोई भी अंदर आ जाएगा। क्या आप भी जाके मैच देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं कॉमेंट करिए और बताइए हमें ज़रा।
कौन कौन जाना चाहता है इस ग्राउंड के ऊपर, फ्री टिकट है भाई, लेकिन जाना थोड़ा मुश्किल है श्रीलंका। चलिए गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुटे रहने के लिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सभी के सभी भाई, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए सभी के सभी दोस्त अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, तो लंका प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला जो कि आपको शुरू होने जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, आज ही से खेला जाएगा लंका प्रीमियर लीग का ये मैच। तो हम तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं गाइज आज के इस मुकाबले के लिए। क्या आप भी तैयार हैं? अगर आप भी तैयार हैं तो यार कमेंट करिए और बताइए हमें ज़रा कौन कौन भाई जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इस मुकाबले के लिए। ज़रा हम भी तो देखें यार कितने लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड है भाई। इन मुकाबलों की बात करें दोस्तों, हम्बन टोटा के ग्राउंड के ऊपर ये मुकाबले खेले जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको ग्राउंड की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक देख रहिए बने रहिए, और आप लोगों को सारी की सारी हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, चल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग को बता दूँ अपडेट जो हैं दोस्तों आप लोग को मिल जाएंगी हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में, जिसपे कि हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी अपडेट्स। मैच की ऑलरेडी प्लेइंग 11 आ चुकी है, टॉस की अपडेट जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाइए और फटाफट जाकर चेक करिए दोस्तों। और अगर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मैं इरफान पठान को, और बाकी के प्लेयर्स को भी जो कि आपको नज़र आएंगे सामने में अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करते रहिए भाई। ओहो हो हो, ये क्या है भाई? इट्स एन वाइट टू प्रिवेंट दिस इन फ्यूचर। ओके, इसको बंद करो क्योंकि दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। चलिए, हाँ मैं ये दिखा रहा था दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ फटाफट। लेकिन उससे पहले यार टीम की बातचीत कर लेते हैं पहले। चलिए, तो टीम्स अगर हम देखें दोस्तों, तो टीम्स में अगर आप देखेंगे तो कैंडी टस्कर्स की टीम अगर आप देखेंगे तो कैंडी टस्कर्स की टीम भाई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो दूसरी टीम है उससे ज़बरदस्त नहीं है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। कैंडी टस्कर्स की टीम में अगर हम देखें तो आपको आसिला गुणरत्न नजर आएंगे, ऑलराउंडर हैं, आपको पता भी है श्रीलंका के लिए मैचेस इन्होंने जिताए हैं, दो चार मैचेस इन्होंने जिताए, बड़े ऐसे मैचेस जिताए जो कि हारती मैचेस ये यहाँ पर ही जिता कर आए थे। चमीकारा इधर सिंह नजर आएंगे इस टीम में, दिलरुवन परेरा, इरफान पठान आपको कैंडी टस्कर्स में नजर आएंगे दोस्तों। तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कैंडी टस्कर्स की टीम को। दिलरुवन परेरा है, गेंदबाज हैं और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। कमिंडो मेंडिस जो कि आपको गेंदबाजी करते हैं, इरफान पठान हैं, ईशान जय सिंह हैं, इसके अलावा आपको कविश्का अनुजा हैं, कुशल मेंडिस हैं, कुशल परेरा हैं। वाह, परेरा तो भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन है, तो इस टीम में आपको नजर आएगा। कुशल मेंडिस भी हैं भाई इसी टीम में, तो मेंडिस भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं श्रीलंकन टीम के लिए। बाकी अगर हम बात करें आपको बाकी बाहर के प्लेयर्स की, तो रियाज इस टीम में, नवीन उलखन, लायम प्लंकेट हैं। लायम प्लंकेट के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं, इंग्लैंड के खेलते हैं अभी भी, खेल नहीं चुके हैं, खेलते हैं अभी भी। वहाँ रियाज पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। सिकुगी प्रसन्ना जो कि ऑलराउंडर हैं, श्रीलंका के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। नुवान प्रदीप रहेंगे इस टीम में जो कि श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं, खेलते भी हैं। प्रियामल परेरा हैं, इसके अलावा मुनाफ पटेल। जी हाँ दोस्तों, कैंडी टस्कर्स में भारत के दो प्लेयर्स ऐसे हैं, मैंने पहली ऐसी लीग देखी जहाँ पे भारत के जो है आपको 5-6 प्लेयर्स मिल जाएंगे देखने को। इससे अलावा मैंने आज के पहले कभी ऐसी लीग नहीं थी कि जिसके अंदर भारत के प्लेयर्स खेलते हों। एक लीग थी ग्लोबल T20 जिसके अंदर आपको युवराज सिंह ज़रूर गए थे खेलने के लिए वहाँ पे, लेकिन उस T20 के अलावा मुझे और कोई ऐसा T20 याद नहीं आता जिसके ऊपर मैंने देखा हो कि भारतीय टीम के प्लेयर्स वहाँ पर जाते हों दूसरी टीम के लिए खेलने के लिए, दूसरे टूर्नामेंट्स में जाते हों खेलने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं मुना पटेल के अलावा, लहिरु समाकुरन है इस टीम में कैंडी टस्कर्स की ओर से। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं यार, जो भी पूछ रहे हैं प्लेइंग 11 और टॉस के बारे में, आपको मैंने टॉस के और प्लेइंग 11 का अपडेट जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कमेंट में कि प्लेइंग 11 और टॉस की अपडेट जो इस मैच की क्या है। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अलावा आपको इस टीम में है मुनाफ पटेल, नवीन उल हक की बात करें, निशान माधुशुना शुंका है, इसके अलावा नुवान प्रदीप है इस टीम में, और प्रियामल परेरा के बारे में बता दिया, सिकुगे प्रसन्ना के बारे में बता दिया मैंने, वहाब रियाज के बारे में बता दिया। अब चलिए भैया, ये तो हमने टीम देख ली कैंडी टस्कर्स की, थोड़ा हम नज़र भिड़ाते हैं कोलंबो किंग्स के बारे में। कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका का, तो कोलंबो की टीम तो भाई थोड़ी सी तगड़ी और थोड़ी सी मजबूत होनी भी चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका शकल दिख ही रहा होगा कि कौन है यहाँ पर, अंडर रसल है, और जिस लीग में अंडर रसल पहुँच जाए यार, उसके बाद तो आप समझ लेंगे वो लीग कितनी बेहतरीन हो जाएगी।
आंद्रे रसल, कायरन पोलार्ड कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको हर एक टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आंद्रे रसल आपको पता ही है आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स। भले ही इस साल उतना अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो इनका, लेकिन ऑल ऑफ मतलब हर 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 आईपीएल में इनका प्रदर्शन जो रहता है बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है। और इनको बल्लेबाजी तो कोलकाता की टीम बहुत नीचे कराती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इनको एक जगह दे दो नंबर चार पे, ये अपना आके काम कर देंगे। चलिए इस टीम की हम बात करें तो कोलंबो किंग्स की, कोलंबो किंग्स में आपको अमीला ओपोंसो नज़र आएंगे, इसके अलावा आंद्रे रसल नज़र आएंगे, इसके अलावा आपको एंजेलो मैथ्यूज नज़र आएंगे, इसके अलावा आशान प्रियंजन नज़र आएंगे, दिनेश चंडीमल नज़र आएंगे, चंडीमल भैया अच्छे प्लेयर हैं ये भी, दुष्मता चमीरा नज़र आएंगे, फाफ डुप्लेसिस, जी हाँ दोस्तों, तो फॉफ डुप्लेसिस भी हैं इस टीम में, जो कि आपको साउथ अफ्रीका के कप्तान भी हैं, कप्तान तो नहीं है रिसेंटली लेकिन रह चुके हैं बड़े ही दिनों तक। इसके अलावा हिमेश रामानायके हैं, इशुरू उदाना हैं, जाफरी वेंडरसे हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं जाफरी वेंडरसे की बात करें तो, कलाना परेरा भी हैं इस टीम में, लहिरू उदारा हैं, इसके अलावा मनप्रीत गोनी, लीजिए भैया तीसरा इंडिया का प्लेयर आपको मिल गया, ठीक है, दो उधर थे और इधर भी दो हैं, तो मनप्रीत गोनी तो पता ही होगा आपको, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद है जहाँ तक धोनी की टीम में गोनी, मुझे याद है कभी ना कभी तो भारत के लिए खेला था, टीम के लिए ज़रूर सेलेक्ट हुए थे, आई एम नॉट श्योर इन्होंने खेला कि नहीं खेला, लेकिन हाँ टीम के लिए सेलेक्ट ज़रूर हुए थे इंडियन टीम के लिए। मनविंदर बिस्ला, कौन भूल सकता वो आईपीएल का फाइनल जिसमें इन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली थी, आपको याद होगा कोलकाता के लिए फाइनल में जिसमें 89 बनाए थे इन्होंने और मैच जिताया था। नवोद पराविताना, इसके अलावा हम बात करें रविंदर पाल सिंह और थारिंडू रत्ननायके के अलावा थिशिकला डिसिल्वा इस टीम में है। तो ये थी आपको कोलंबो किंग्स की टीम दोस्तों, तो ये दो टीमों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आप बताइए आपके फेवरेट प्लेयर्स जो हैं कौन से हैं दोस्तों, और नीचे ये भी प्रेडिक्शन करिए यार ज़रा कितने रन बन सकते हैं, कौन सी टीम आज का मैच जीत सकती है, कोलंबो टस्कर सॉरी माफ़ कीजिएगा कोलंबो टस्कर्स मैं कह रहा हूँ कोलंबो किंग्स को, चलिए कोलंबो किंग्स या फिर आपको कैंडी टस्कर्स। अब अपनी टीम देख ली तो हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से मैच के बारे में। चलिए हम ग्राउंड के ऊपर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्राउंड के ऊपर क्या हाल चाल रहे हैं, इस ग्राउंड के ऊपर हम बात करें तो हम्बन टोंटा के नाम भी इतना ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ आपको, हम्बन टोंटा का ये ग्राउंड रहेगा जिसके ऊपर ये मुकाबला खेला जाएगा, पहला मैच जी हाँ श्रीलंका प्रीमियर लीग, श्रीलंका नहीं है लंका प्रीमियर लीग, एक्चुअली लंका प्रीमियर लीग का पहला मैच है, महिंदा राजापक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम हम्बन टोंटा में मैच खेला जाएगा। वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न जो रहा है कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये है आपको पिच रिपोर्ट, मैं आगे थोड़ी सी देर में आपको पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा, पिच की पूरी पूरी कंडीशंस दिखाऊंगा क्या हालात में पिच, 130 रन आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बनता है, सेकंड इनिंग से एवरेज बात करें तो आपको 103 का बनता है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो आपको टोटल हाईएस्ट स्कोर जो रहा है दोस्तों यहां पे वो रहा है 182 पे 4 20 ओवरों में श्रीलंका वर्सेज जिम्बाब्वे के खिलाफ बना था, श्रीलंका की टीम ने बना था जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये याद रखना भाई 182 का हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो 200 अभी नहीं बने इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये जो है ग्राउंड अगर कोलंबो किंग्स की बैटिंग आ जाए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच में ही आपको देखने को मिल जाएगा 200 रन, चलिए उम्मीद है कि 200 रन पहले ही मैच में देखने को मिलेगा क्योंकि ग्राउंड बड़ा अच्छा है भाई, काफ़ी दिनों से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है इस ग्राउंड के ऊपर, और कि ग्राउंड जो है इतना बैटिंग के लिए अनुकूल बनाया जाएगा आई एम श्योर, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में इस बार श्रीलंका के ग्राउंड जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं और यहाँ पर स्कोर जो बनते हैं बड़े ज़बरदस्त बनते हैं भाई लोग। लोवेस्ट डिफेंड की बात है तो लोवेस्ट डिफेंड आपको 78 पे 4 हुआ था जो कि साउथ अफ्रीका की टीम ने किया था श्रीलंका के खिलाफ, तो भाई ये भी देखो ये भी ज़बरदस्त है, 7 ओवरों में 77 रन पे 4 विकेटें गई थी और डिफेंड कर लिया था उस मैच को। हेड टू हेड की हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में, पहला ही टूर्नामेंट है गाइस तो कोई भी नहीं जीता है कोई भी नहीं हारा है तो हेड टू हेड यहाँ पे सवाल ही हट जाता है क्योंकि पहला ही टूर्नामेंट है कैंडी टस्कर्स और कोलंबो किंग्स लंका प्रीमियर लीग का। हमें किन प्लेयर्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं टीम में जिनके ऊपर हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, चलिए तो हम बात करते हैं उन्हीं कुछ प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुशल परेरा के बारे में, कुशल परेरा जी हाँ दोस्तों, कुशल परेरा का जो फॉर्म रहा है पिछले दिनों में, इन्होंने इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच खेला था जिसमें इन्होंने 5 रन बनाया था, उसके पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला 26 रन बनाया था, उसके पहले इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था T20 मैच जिसमें 16 रन बनाए थे, तो इनका फॉर्म रिसेंटली तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि रिसेंटली इनका फॉर्म कैसा भी नहीं रहा है क्योंकि ये तो अभी खेल ही नहीं रहे हैं भाई तो डोंट नो भाई इनके बारे में एट द मोमेंट सिक्कू के, लेकिन प्लेयर्स भाई प्लेयर तो ऐसे लगता है कि जयसूर्या खुद आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, जब ये बल्लेबाजी करते हैं ऐसा लगता है जयसूर्या के छोटे भाई आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सिक्कू के प्रसन्ना भी हैं इस टीम में जो कि आपको 8 रन बनाकर 8 रन
इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बनाया था, बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए इन्होंने 51 बनाया था, उसके बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए 0 बनाया था। इन्होंने आपको CPL खेला है गाइस, जी हाँ CPL में खेला इन्होंने और प्रदर्शन भी इनका ठीक ठाक रहा है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑलराउंडर है गाइस, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में मिक्स करके आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। तो आप इनको भाई भूलना मत, अपनी टीम में लेना सिकुगे प्रसन्ना, अगर आप टीम अगर बना रहे हैं आप तो इनको मत छोड़िएगा भाई, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा जिता सकते हैं ये। अगर हम बात करें तो आप अपनी टीम में इनको आँख बंद करके ले लीजिएगा भाई, क्योंकि बड़े अच्छे प्लेयर आपकी टीम के लिए साबित हो सकते हैं। ठीक है, प्रसन्ना जी के बारे में तो हमने बातचीत कर ली, अब चलिए हम जरा दूसरी टीम पे बढ़ते हैं। दूसरी टीम पे तो दो ही नाम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन मैं कुछ और नाम्स बताना चाहूँगा आपको। कुछ एंजेलो मैथ्यूज जो कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके अलावा इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, तो काफ़ी दिन हो गए इनको क्रिकेट देखे हुए, वैसे मैंने देखा नहीं इनका क्रिकेट काफ़ी दिनों से लेकिन प्लेयर बड़े ज़बरदस्त हैं भाई। फॉफ डुप्लेसिस भाई, कौन भूल सकता है इनको, जी हाँ फॉफ डुप्लेसिस बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लाहौर कलंदर के खिलाफ इन्होंने बनाया था 31, किंग्स इलेवन पंजाब में बनाया था 48 रन, उसके अलावा RCB के टीम के खिलाफ इन्होंने बनाया था 25 रन, और रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन किया है इन्होंने अगर हम बात करें IPL में, और उम्मीद है कि यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग में भी बड़ा चलेंगे। तो आप इनको भी ले लीजिएगा भाई अपनी टीम में। आंड्रे रसल को मत भूलिएगा भाई, सबको भूल जाइएगा लेकिन आंड्रे रसल को आप मत भूलिएगा टीम में लेना। चलिए नवीन उल हक जो कि आपको अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, तो भाई ये भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। वहाब रियाज हैं इस टीम में, वहाब रियाज की हम बात है तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, जी हाँ। और ये आपको कैंडी टस्कर्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी हाँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको दूसरी ओर से अगर आप जिन प्लेयर्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए आपको, वह जाफरी वंडर्स है और मनप्रीत धोनी, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको खास तौर से नज़र रखना ही चाहिए। और आई एम श्योर अगर आप ये कुछ प्लेयर्स को ले लेंगे अपनी टीम में तो आपके ग्रैंड लीग तो पक्की है भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग पक्की नहीं है, ग्रैंड लीग तो पक्की आपको कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो आप देख के खुश हो जाएंगे भाई। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आइए फटाफट चला दिखाते हैं हम और आपको दिखाते हैं यहाँ पे फटाफट, जी हाँ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कौन है भाई, ज़रा कमेंट करके बताइए हमें कौन है ये। आप तो पहचानते ही होंगे, आई एम श्योर यार काफ़ी सारे लोग जानते होंगे इस माशाल्लाह इंसान को, कौन नहीं जानता है, सभी के सभी भाई जानते होंगे आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये तो है आपको एंड्रे रसल जो कि प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए फटाफट और लाइक करिए चैनल को। इनके बारे में मुझे नहीं पता यार, ये कुछ प्लेयर्स जो कि प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए तो जिम्बा, मैंने देखा इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, गेंदबाज हैं। इसके अलावा ये देखिए आपको टीम आर रेडी, जी हाँ दोस्तों, तो टीम सभी फिलहाल रेडी हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाइव जो मैचेस आएंगे दोस्तों, कैच द ब्लेसिंग थंडर ऑफ 2020 LPL, नो स्पेक्टेटर्स अलाउड, स्टे होम DIPG इंस्टाग्राम। चलिए तो यहाँ पर मैच आपको ये नज़र आ रहे हैं प्लेयर्स प्रैक्टिस करते, और ये देखो पैक, ओ भाई ये कौन था यार, ये तो हर्षल गिब्स है भाई, हर्षल गिब्स और एंजेलो मैथ्यूज, वाह भाई वाह, मतलब ये टीम बहुत ज़बरदस्त है भाई। इसके अलावा ये देखिए भाई कुशल परेरा आपको नज़र आ रहे होंगे, और कुशल परेरा के अलावा आपको ये देखिए इरफान पठान की बॉडी देखिए भाई, इरफान पठान की बॉडी देखिए आप, इरफान पठान अभी भी इतने उम्रदार हो गए लेकिन अभी भी भाई साहब गजब। नुवन कुलसेकरा भी हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, नुवन प्रदीप भी हैं, और ये देखो भाई वाह क्या बात है भाई। तो चलिए भाई मैंने आपको ये सब तो दिखा दिया, ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड भी मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, किस ग्राउंड के ऊपर ये मैच होने वाला है। तो ग्राउंड तो भाई अभी तक हमारे पास कुछ ऐसी अपडेट नहीं आई है जिसके ऊपर हम बता सकें आपको क्या है एग्जैक्टली ग्राउंड की अपडेट, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये तो आपको हैं कुछ प्लेयर्स जो कि प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। खैर आप ज़रा बताइए यार, फटाफट कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों के लिए फ़ोटो तब तक निकाल लेता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये आपको ग्राउंड हम्बन टोटा का, जिसके ऊपर आज का ये पहला मुकाबला और पूरा का पूरा LPL का मुकाबला जो है खेला जाएगा, और ये आप देख सकते हैं फिलहाल, जी हाँ। और ये देखिए, अरे अरे वाह 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 क्या बात है भाई, ओ भाई साहब, मतलब ग्राउंड देखने के बाद लगता है कि हाँ भैया ग्राउंड तो है भाई, ग्राउंड इतना सुंदर है और इतना प्यारा ग्राउंड है, आप भी देख के कहेंगे कि वाह दिल खुश हो गया। और यहाँ पर भाई कोई आ भी नहीं सकता, अगर कोई आ भी गया तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जगह ही ऐसी है, यहाँ से कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, फ्री की टिकट है भाई, टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देख रहे हैं आप, कहीं से भी कोई भी आके देख सकता है मैच। उधर से कोई भी अंदर आ जाएगा, इधर से कोई भी अंदर आ जाएगा, इधर से कोई भी अंदर आ जाएगा। क्या आप भी जाके मैच देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं कॉमेंट करिए और बताइए हमें ज़रा,
कौन कौन जाना चाहता है इस ग्राउंड के ऊपर, फ्री टिकट है भाई, लेकिन जाना थोड़ा मुश्किल है श्रीलंका। चलिए गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुटे रहने के लिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी के सभी भाई, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए सभी के सभी दोस्त अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला है। जी हाँ दोस्तों, तो लंका प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला जो कि आपको शुरू होने जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, आज ही से खेला जाएगा लंका प्रीमियर लीग का ये मैच। तो हम तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं गाइज आज के इस मुकाबले के लिए। क्या आप भी तैयार हैं? अगर आप भी तैयार हैं तो यार कमेंट करिए और बताइए हमें ज़रा, कौन कौन भाई जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इस मुकाबले के लिए, ज़रा हम भी तो देखें यार कितने लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड है भाई। इन मुकाबलों की बात करें दोस्तों, हम्बन टोटा के ग्राउंड के ऊपर ये मुकाबले खेले जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको ग्राउंड की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक देख रही है बने रही है, और आप लोगों को सारी की सारी हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, चल आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को बता दूँ अपडेट जो है दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगी हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में, जिस पे कि हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी अपडेट्स। मैच की ऑलरेडी प्लेइंग 11 आ चुकी है, टॉस की अपडेट जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाइए और फटाफट जाकर चेक करिए दोस्तों। और अगर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मैं इरफान पठान को, और बाकी के प्लेयर्स को भी जो कि आपको नज़र आएंगे सामने में अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करते रहिए भाई। ओहो हो हो, ये क्या है भाई? व्हाई टू प्रिवेंट दिस इन फ्यूचर? ओके, इसको बंद करो क्योंकि दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। चलिए, हाँ मैं ये दिखा रहा था दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ फटाफट। लेकिन उससे पहले यार टीम की बातचीत कर लेते हैं पहले। चलिए, तो टीम्स अगर हम देखें दोस्तों, तो टीम्स में अगर आप देखेंगे तो कैंडी टस्कर्स की टीम, अगर आप देखेंगे तो कैंडी टस्कर्स की टीम भाई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो दूसरी टीम है उससे ज़बरदस्त नहीं है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। कैंडी टस्कर्स की टीम में अगर हम देखें तो आपको आसिला गुणरत्न नज़र आएंगे, ऑलराउंडर हैं, आपको पता भी है श्रीलंका के लिए मैचेस इन्होंने जिताए हैं, दो चार मैचेस इन्होंने जिताए, बड़े ऐसे मैचेस जिताए जो कि हारने हारती हारती मैचेस ये यहाँ पर ही जिता कर आए थे। चमीकारा इधर सिंह नज़र आएंगे इस टीम में, दिलरुवन परेरा, इरफान पठान आपको कैंडी टस्कर्स में नजर आएंगे दोस्तों, तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कैंडी टस्कर्स की टीम को। दिलरुवन परेरा है, गेंदबाज हैं और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। कमिंडो मेंडिस जो कि आपको गेंदबाजी करते हैं, इरफान पठान हैं, ईशान जय सिंह हैं, इसके अलावा आपको कविश्का अनुजा हैं, कुशल मेंडिस हैं, कुशल परेरा हैं। वाह, परेरा तो भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन है, तो इस टीम में आपको नजर आएगा। कुशल मेंडिस भी हैं भाई इसी टीम में, तो मेंडिस भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं श्रीलंकन टीम के लिए। बाकी अगर हम बात करें आपको बाकी बाहर के प्लेयर्स की, तो रियाज इस टीम में, नवीन उलक हैं, लायम प्लंकेट हैं, लायम प्लंकेट के बारे में आप जानते ही होंगे जो कि इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं, इंग्लैंड के खेलते हैं अभी भी, खेल नहीं चुके हैं, खेलते हैं अभी भी। वहाब रियाज पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। सिकुगी प्रसन्ना जो कि ऑलराउंडर हैं, श्रीलंका के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं। नुवान प्रदीप रहेंगे इस टीम में जो कि श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं, खेलते भी हैं। प्रियामल परेरा हैं, इसके अलावा मुनाफ पटेल। जी हाँ दोस्तों, कैंडी टस्कर्स में भारत के दो प्लेयर्स ऐसे हैं, मैंने पहली ऐसी लीग देखी जहाँ पे भारत के जो है आपको 5-6 प्लेयर्स मिल जाएंगे देखने को। इससे अलावा मैंने आज के पहले कभी ऐसी लीग नहीं थी कि जिसके अंदर भारत के प्लेयर्स खेलते हों। एक लीग थी का ग्लोबल T20 जिसके अंदर आपको युवराज सिंह ज़रूर गए थे खेलने के लिए वहाँ पे, लेकिन उस T20 के अलावा मुझे और कोई ऐसा T20 याद नहीं आता जिसके ऊपर मैंने देखा हो कि भारतीय टीम के प्लेयर्स वहाँ पे जाते हों दूसरी टीम के लिए खेलने के लिए, दूसरे टूर्नामेंट्स में जाते हों खेलने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं मुनाफ पटेल के अलावा, लहिरू समाकुरन है इस टीम में कैनेडा टस्कर्स की ओर से। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं यार, जो भी पूछ रहे हैं प्लेइंग 11 और टॉस के बारे में, आपको मैंने टॉस के और प्लेइंग 11 का अपडेट जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कमेंट में कि प्लेइंग 11 और टॉस की अपडेट जो इस मैच की क्या है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा आपको इस टीम में है मुनाफ पटेल, नवीन उल हक की बात करें, निशान माधुसूना शुंका है, इसके अलावा नुवान प्रदीप है इस टीम में, और प्रियामल परेरा के बारे में बता दिया, सिकू के प्रसन्ना के बारे में बता दिया मैंने, वहाब रियाज के बारे में बता दिया। अब चलिए भैया, ये तो हमने टीम देख ली कैंडी टस्कर्स की, थोड़ा हम नज़र भिड़ाते कोलंबो किंग्स के बारे में। कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका का, तो कोलंबो की टीम तो भाई थोड़ी सी तगड़ी और थोड़ी सी मजबूत तो होनी भी चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका शकल दिख ही रहा होगा कि कौन है यहाँ पर, आंडर रसल है, और जिस लीग में आंडर रसल पहुँच जाए यार, उसके बाद तो आप समझ लें कि वो लीग कितनी बेहतरीन हो जाएगी।
आंद्रे रसल, कैरम पोलार्ड कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको हर एक टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आंद्रे रसल आपको पता ही है आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स। भले इस साल उतना अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो इनका, लेकिन ऑल ऑफ मतलब हर 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 आईपीएल में इनका प्रदर्शन जो रहता है बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है। और इनको बल्लेबाजी तो कोलकाता की टीम बहुत नीचे कराती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। इनको एक जगह दे दो नंबर चार पे, ये अपना आके काम कर देंगे। चलिए इस टीम की हम बात करें तो कोलंबो किंग्स की, कोलंबो किंग्स में आपको अमीला ओपोंसो नज़र आएंगे, इसके अलावा आंद्रे रसल नज़र आएंगे, इसके अलावा आपको एंजेलो मैथ्यूज नज़र आएंगे, इसके अलावा आशान प्रियंजन नज़र आएंगे, दिनेश चंडीमल नज़र आएंगे, चंडीमल भैया अच्छे प्लेयर हैं ये भी, दुष्मता चमीरा नज़र आएंगे, फाफ डुप्लेसिस, जी हाँ दोस्तों, तो फॉफ डुप्लेसिस भी हैं इस टीम में, जो कि आपको साउथ अफ्रीका के कप्तान भी हैं, कप्तान तो नहीं है रिसेंटली लेकिन रह चुके हैं बड़े ही दिनों तक। इसके अलावा हिमेश रामानायके हैं, इशुरू उदाना है, जाफरी वेंडरसे हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं जाफरी वेंडरसे की बात करें तो, कलाना परेरा भी हैं इस टीम में, लहिरू उदारा हैं, इसके अलावा मनप्रीत गोनी, लीजिए भैया तीसरा इंडिया का प्लेयर आपको मिल गया, ठीक है, दो उधर थे और इधर भी दो हैं, तो मनप्रीत गोनी तो पता ही होगा आपको, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद है जहाँ तक धोनी की टीम में गोनी, मुझे याद है कभी ना कभी तो भारत के लिए खेला था, टीम के लिए ज़रूर सेलेक्ट हुए थे, आई एम नॉट श्योर इन्होंने खेला कि नहीं खेला, लेकिन हाँ टीम के लिए सेलेक्ट ज़रूर हुए थे इंडियन टीम के लिए। मनविंदर बिस्ला, कौन भूल सकता है वो आईपीएल का फाइनल जिसमें इन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली थी, आपको याद होगा कोलकाता के लिए फाइनल में जिसमें 89 बनाए थे इन्होंने और मैच जिताया था, नवोद पराविताना, इसके अलावा हम बात करें रविंदर पाल सिंह और थारिंडू रत्न नायके के अलावा थिशिकला डिसिल्वा इस टीम में है। तो ये थी आपको कोलंबो किंग्स की टीम दोस्तों, तो ये दो टीमों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आप बताइए आपके फेवरेट प्लेयर जो हैं कौन से हैं दोस्तों, और नीचे ये भी प्रेडिक्शन करिए यार ज़रा कितने रन बन सकते हैं, कौन सी टीम आज का मैच जीत सकती है, कोलंबो टस्कर माफ़ कीजिएगा कोलंबो टस्कर्स मैं कह रहा हूँ कोलंबो किंग्स को, चलिए कोलंबो किंग्स या फिर आपको कैंडी टस्कर्स। अब अपनी टीम देख ली तो हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से मैच के बारे में। चलिए हम ग्राउंड के ऊपर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्राउंड के ऊपर क्या हाल चाल रहे हैं, इस ग्राउंड के ऊपर हम बात करें तो हम्बन टोंटा के नाम भी इतना ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ आपको, हम्बन टोंटा का ये ग्राउंड रहेगा जिसके ऊपर ये मुकाबला खेला जाएगा, पहला मैच जी हाँ श्रीलंका प्रीमियर लीग, श्रीलंका नहीं है लंका प्रीमियर लीग, एक्चुअली लंका प्रीमियर लीग का पहला मैच है, महिंदा राजापक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम हम्बन टोंटा में मैच खेला जाएगा। वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न जो रहा है कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये है आपको पिच रिपोर्ट, मैं आगे थोड़ी सी देर में आपको पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा, पिच की पूरी पूरी कंडीशंस दिखाऊंगा क्या हालात में पिच, 130 रन आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बनता है, सेकंड इनिंग से एवरेज बात करें तो आपको 103 का बनता है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो आपको टोटल हाईएस्ट स्कोर जो रहा है दोस्तों यहां पे वो रहा है 182/4 20 ओवरों में श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे के खिलाफ बना था, श्रीलंका की टीम ने बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये याद रखना भाई 182 का हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो 200 अभी नहीं बने इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ये जो है ग्राउंड अगर कोलंबो किंग्स की बैटिंग आ जाए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच में ही आपको देखने को मिल जाएगा 200 रन, चलिए उम्मीद है कि 200 रन पहले ही मैच में देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड बड़ा अच्छा है भाई, काफ़ी दिनों से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है इस ग्राउंड के ऊपर, और कि ग्राउंड जो है इतना बैटिंग के लिए अनुकूल बनाया जाएगा आई एम श्योर, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में इस बार श्रीलंका के ग्राउंड जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, और यहाँ पे स्कोर जो बनते हैं बड़े ज़बरदस्त बनते हैं भाई। लोग लोवेस्ट डिफेंड की बात है तो लोवेस्ट डिफेंड आपको 78/4 हुआ था जो कि साउथ अफ्रीका की टीम ने किया था श्रीलंका के खिलाफ, तो भाई ये भी देखो ये भी ज़बरदस्त है, 7 ओवरों में 77 रन पे 4 विकेटें गई थी और डिफेंड कर लिया था उस मैच को। हेड टू हेड की हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में, पहला ही टूर्नामेंट है गाइस तो कोई भी नहीं जीता है, कोई भी नहीं हारा है तो हेड टू हेड यहाँ पे सवाल ही हट जाता है, क्योंकि पहला ही टूर्नामेंट है कैंडी टस्कर्स और कोलंबो किंग्स लंका प्रीमियर लीग का। हमें किन प्लेयर्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं टीम में जिनके ऊपर हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है, चलिए तो हम बात करते हैं उन्हीं कुछ प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुशल परेरा के बारे में, कुशल परेरा जी हाँ दोस्तों, कुशल परेरा का जो फॉर्म रहा है पिछले दिनों में, इन्होंने इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच खेला था जिसमें इन्होंने 5 रन बनाया था, उसके पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला 26 रन बनाया था, उसके पहले इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था T20 मैच जिसमें 16 रन बनाए थे, तो इनका फॉर्म रिसेंटली तो मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि रिसेंटली इनका फॉर्म कैसा भी नहीं रहा है क्योंकि ये तो अभी खेल ही नहीं रहे भाई तो डोंट नो भाई इनके बारे में एट द मोमेंट सिकू के, लेकिन प्लेयर्स भाई प्लेयर तो ऐसे लगता है कि जयसूर्या खुद आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, जब ये बल्लेबाजी करते हैं ऐसा लगता है जयसूर्या के छोटे भाई आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। सिकू के प्रसन्ना भी हैं इस टीम में जो कि आपको 8 रन बनाकर 8 रन
इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बनाया था, बारबाडोस ट्राइडेंट्स के लिए नहीं, कौन बनाया था उसके, बारबाडोस ट्राइडेंट्स के 0 बनाया था इन्होंने। आपको CPL खेला है गाइस, जी हाँ CPL में खेला इन्होंने और प्रदर्शन भी इनका ठीक ठाक रहा है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑलराउंडर है गाइस, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में मिक्स करके आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। तो आप इनको भाई भूलना मत अपनी टीम में लेना, सिकुगे प्रसन्ना अगर आप ले आई मीन टीम अगर बना रहे हैं आप तो इनको मत छोड़िएगा भाई, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा जिता सकते हैं ये। अगर हम बात करें तो आप अपनी टीम में इनको आँख बंद करके ले लीजिएगा भाई, क्योंकि बड़े अच्छे प्लेयर आपकी टीम के लिए साबित हो सकते हैं। ठीक है, प्रसन्ना जी के बारे में तो हमने बातचीत कर ली है, अब चलिए हम जरा दूसरी टीम पर भी बढ़ते हैं। दूसरी टीम पे तो दो ही नाम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन मैं कुछ और नाम से बताना चाहूँगा आपको। कुछ एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके अलावा इन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो काफ़ी दिन हो गया इनको क्रिकेट देखे हुए, वैसे मैंने देखा नहीं इनका क्रिकेट काफ़ी दिनों से लेकिन प्लेयर बड़े ज़बरदस्त हैं भाई। फॉफ डुप्लेसिस भाई, कौन भूल सकता है इनको, जी हाँ फॉफ डुप्लेसिस बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लाहौर कलंदर के खिलाफ इन्होंने बनाया था 31, किंग्स इलेवन पंजाब में बनाया था 48 रन, उसके अलावा RCB के टीम के खिलाफ इन्होंने बनाया था 25 रन, और रिसेंटली फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन किया है इन्होंने अगर हम बात करें IPL में, और उम्मीद है कि यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग में बड़ा चलेंगे। तो आप इनको भी ले लीजिएगा भाई अपनी टीम में। आंड्रे रसल को मत भूलिएगा भाई, सबको भूल जाइएगा लेकिन आंड्रे रसल को आप मत भूलिएगा टीम में लेना। चलिए नवीन उल हक जो कि आपको अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, तो भाई ये भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। वहाब रियाज हैं इस टीम में, वहाब रियाज की हम बात करें तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, जी हाँ। और ये आपको कैंडी टस्कर्स की ओर से खेलते हुए नज़र आएंगे, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी हाँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको दूसरी ओर से अगर आप जिन प्लेयर्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए आपको, वह है जाफरी वंडर्स है और मनप्रीत धोनी। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको खास तौर से नज़र रखना ही चाहिए, और आई एम श्योर अगर आप ये कुछ प्लेयर्स को ले लेंगे अपनी टीम में तो आपके ग्रैंड लीग तो पक्की है भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग पक्की नहीं है, ग्रैंड लीग तो पक्की आपको कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो आप देख के खुश हो जाएंगे भाई। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आइए फटाफट चला दिखाते हैं हम और आपको दिखाते हैं यहाँ पे फटाफट, जी हाँ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कौन है भाई, ज़रा कमेंट करके बताइए हमें कौन है ये। आप तो पहचानते ही होंगे आई एम श्योर, यार काफ़ी सारे लोग जानते होंगे इस माशाल्लाह इंसान को, कौन नहीं जानता है, सभी के सभी भाई जानते होंगे आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये तो है आपको आंड्रे रसल जो कि प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए फटाफट और लाइक करिए चैनल को। इनके बारे में मुझे नहीं पता यार, ये कुछ प्लेयर्स जो कि प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए तो जिम्बा मैंने देखा, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, गेंदबाज हैं। इसके अलावा ये देखिए आपको टीम आर रेडी, जी हाँ दोस्तों, तो टीम सभी फ़िलहाल रेडी हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाइव जो मैचेस आएंगे दोस्तों, कैच द ब्लेसिंग थंडर ऑफ 2020 LPL, नो स्पेक्टेटर्स अलाउड, स्टे होम द IPG इंस्टाग्राम। चलिए तो यहाँ पर मैच आपको ये नज़र आ रहे हैं प्लेयर्स प्रैक्टिस करते, और ये देखो पैक, ओ भाई ये कौन था यार, ये तो हर्षल गिब्स है भाई, हर्षल गिब्स और एंजेलो मैथ्यूज, वाह भाई वाह, मतलब ये टीम बहुत ज़बरदस्त है भाई। इसके अलावा ये देखिए भाई कुशल परेरा आपको नज़र आ रहे होंगे, और कुशल परेरा के अलावा आपको ये देखिए इरफान पठान की बॉडी देखिए भाई, इरफान पठान की बॉडी देखिए आप, इरफान पठान अभी भी इतने उम्रदार हो गए लेकिन अभी भी भाई साहब गजब। नुवन कुलशेखरा भी हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, नुवन प्रदीप भी हैं, और ये देखो भाई वाह क्या बात है भाई। तो चलिए भाई मैंने आपको ये सब तो दिखा दिया, ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ग्राउंड भी मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, किस ग्राउंड के ऊपर ये मैच होने वाला है। तो ग्राउंड तो भाई अभी तक हमारे पास कुछ ऐसी अपडेट नहीं आई है जिसके ऊपर हम बता सकें आपको क्या है एग्जैक्टली ग्राउंड की अपडेट, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये तो आपको हैं कुछ प्लेयर जो कि प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए थे। खैर आप ज़रा बताइए यार, फटाफट कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों के लिए फ़ोटो तब तक निकाल लेता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये आपको ग्राउंड हम्बन टोटा का, जिसके ऊपर आज का ये पहला मुकाबला और पूरा का पूरा LPL का मुकाबला जो है खेला जाएगा, और ये आप देख सकते हैं फिलहाल, जी हाँ। और ये देखिए, अरे अरे वाह 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 क्या बात है भाई, ओ भाई साहब, मतलब ग्राउंड देखने के बाद लगता है कि हाँ भैया ग्राउंड तो है भाई, ग्राउंड इतना सुंदर है और इतना प्यारा ग्राउंड है, आप भी देख के कहेंगे कि वाह दिल खुश हो गया। और यहाँ पर भाई कोई आ भी नहीं सकता, अगर कोई आ भी गया तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जगह ही ऐसी है, यहाँ से कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, फ्री की टिकट है भाई, टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देख रहे हैं आप, कहीं से भी कोई भी आके देख सकता है मैच। उधर से कोई भी अंदर आ जाएगा, इधर से कोई भी अंदर आ जाएगा, इधर से कोई भी अंदर आ जाएगा। क्या आप भी जाके मैच देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं कॉमेंट करिए और बताइए हमें ज़रा,
कौन कौन जाना चाहता है इस ग्राउंड के ऊपर, फ्री टिकट है भाई, लेकिन जाना थोड़ा मुश्किल है श्रीलंका। चलिए गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुटे रहने के लिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सभी के सभी भाई, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए सभी के सभी दोस्त अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले